Hello everyone, welcome to Fly High Smart Tuitions. So today we are going to cover the third part of the topic Nationalism in India. First part mein basically humne nationalism, khilafat movement and satyagraha movement ke bare mein padha tha. Second part mein humne non-cooperation movement ko kafi detail mein padha. Ab is third part mein hum civil disobedience movement and salt march ke bare mein padhenge. So agar aapko hamara video pasand aaye to use like kare और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. अपना फीडबैक कमेंट्स में डेफिनेटली लिखें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. स्टार्टिंग विद द थर्ड पार्ट टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस. इन 1922 महात्मा गांधी को लगा कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत जगह क्लैशेस हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, एंड ही वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस. सो 1922 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया. अब बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो सीनियर लीडर्स थे, पुराने लीडर्स थे, एजेड थे, जैसे कि सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, वो चाहते थे कि वापस से हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें क्योंकि उनको अभी भी यही लगता था कि ब्रिटिश सरकार से या उनके ओपिनियन को अपोज करने का यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है या तरीका है. जबकि जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनको लगता था कि नहीं भाई, अब हमें ब्रिटिश सरकार की आवाज़ के खिलाफ जो आवाज़ उठाना है उसको और बुलंद करना होगा और मजबूत करना होगा, एंड नाउ वी शुड स्टार्ट डिमांडिंग फॉर फुल इंडिपेंडेंस. इन सबको देखते हुए जो नया टोरी गवर्नमेंट सेटअप हुआ था ब्रिटेन में, आफ्टर सीइंग ऑल दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट, उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया अंडर सर जॉन साइमन कि भाई जाओ इंडिया, जाओ वहाँ पे देखो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है और उसमें कुछ चेंजेस को सजेस्ट करो ताकि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको कहीं धीमा किया जा सके या दबाया जा सके. मगर मज़ेदार बात ये है कि ये इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या उसमें चेंजेस रिकमेंड करना चाह रहे हैं और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर है ही नहीं. तो ये तो एक तमाशा हो गया ना भाई. ब्रिटिश सरकार बेसिकली क्या चाह रही है कि इनका मुंह बंद कर दो, एक फाइल पटक के काम वाम कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक फाइल पटको कि हाँ हम देखो हम तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहे हैं. भाई आप काम मेरे लिए कर रहे हैं तो मेरे से ना ओपिनियन लेंगे, तो ओपिनियन भी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है. तो जब सर जॉन साइमन यहाँ इंडिया में अराइव के 1928 में, तो इनका ग्रीटिंग हुआ था विद द स्लोगन साइमन गो बैक, जिसमें कि सभी पार्टीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. लॉर्ड इरविन जो उस समय के वाइसराय थे इंडिया के, 1929 अक्टूबर में उन्होंने भारतीयों को या इंडिया को, कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस का एक ऑफर दिया कि भाई आने वाले समय में हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं या देंगे. डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि भाई आप हमेशा लॉर्ड लिव द किंग ही या क्वीन का नारा गाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना रखिए और अपने हिसाब से सरकार चलाइए और डेली मैटर्स को देखिए और संभालिए, मगर अल्टीमेट पावर क्वीन के पास ही रहेगा, ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगा, और हम लोग इस डोमिनियन स्टेटस को आपको आसपास फ्यूचर में देंगे और इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जा सके कि कैसे काम होगा. इंडियंस ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के कैसे काम करेंगे, बेसिकली ये डिसाइड करना था इनको. तो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाहौर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड करेंगे, दैट इज़ फॉर टोटल इंडिपेंडेंस और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री. पूर्ण स्वराज चाहिए, ब्रिटिश का कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए, वो यहाँ से निकल जाए और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हम अपने देश को खुद से चला लेंगे. और ये तक डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री. सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अदर फर्दर हम लोग देखते हैं. तो 31 जनवरी महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी लिखा वाइसराय को, वाइसराय इरविन को, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखे, और ये जो डिमांड्स था ये बहुत वाइड रेंजिंग था, मतलब गरीब लोगों से लेके मिडिल क्लास, पेजेंट्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको ध्यान में रखते हुए 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा गया ताकि सभी लोगों को मूवमेंट से जोड़ा जा सके. जिसमें एक सबसे मज़ेदार कानून था, वो था सॉल्ट टैक्स. सॉल्ट नमक जो है ये सभी लोग खाते हैं, गरीब से गरीब भी, बड़ा से बड़ा रईस आदमी को भी नमक तो चाहिए ही खाना में,
और इसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये सॉल्ट टैक्स को हटाया जाए, मगर इरविन जो थे वो रेडी नहीं थे इनमें से किसी भी डिमांड्स पे नेगोशिएट करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने अपना सबसे फेमस सॉल्ट मार्च शुरुआत किया एंड ही वॉज एकम्पनीड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स। ये मार्च 240 माइल का था जो कि साबरमती आश्रम से शुरू होते हुए डांडी जो कि एक कोस्टल एरिया है वहाँ पे जाके ख़त्म होता, एक कोस्टल टाउन है गुजरात में वहाँ जाके ख़त्म होना था। सोचो 240 माइल्स का ये मार्च था। 6 अप्रैल को गांधी जी अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स वो डांडी पहुँचे और उन्होंने सेरिमोनियली सॉल्ट के कानून, सॉल्ट टैक्स के कानून को वायलेट किया बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग सी वाटर। समुद्र के पानी को उन्होंने सिंपली बॉयल किया और उससे नमक बनाया और सॉल्ट के कानून को उन्होंने डिसोबे किया और यहीं से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि हम ब्रिटिश सरकार को कॉपरेट तो करेंगे ही नहीं नॉन कॉपरेशन के तहत, साथ में अब हम ब्रिटिश सरकार के कानून को भी नहीं मानेंगे, उसको भी वायलेट किया जाएगा, जो भी कानून ब्रिटिश सरकार ने बनाया उसे वायलेट किया जाएगा। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो पेजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया चौकीदारी टैक्सेस पे करने के लिए, विलेज ऑफिशियल्स थे वो रिज़ाइन कर दिए, फॉरेस्ट पीपल भी फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करने लगे और वो रिजर्व फॉरेस्ट में घुस गए टू कलेक्ट वुड एंड टू ग्रेज देयर कैटल। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। अब जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भैया ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। अब्दुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया, एक महीने के अंदर अंदर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब ये अरेस्ट हुआ तो लोग फिर वायलेंस पे उतर आए, उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में क्लैशेस हुआ, मारपीट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया क्योंकि वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे विश्वास रखते थे, ही वॉज टोटली अगेंस्ट वायलेंस। तो जैसे ही वायलेंस हुआ वो वापस से उन्होंने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया एंड ही इंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन व्हिच इज नोन एज गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5th मार्च 1931। इस पैक्ट के तहत गांधी जी ने माना कि भाई हम सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे बनेगा और किस तरीके से काम किया जाएगा, और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिहा कर दिया। अब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रिटेन गए, वहाँ गया और वहाँ पे हर तरह का नेगोशिएशन टूट गया। गांधी जी भी नेगोशिएट करने के लिए रेडी नहीं थे और वहाँ ब्रिटिश सरकार भी उनके किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो ये नेगोशिएशन ब्रेक ऑफ हो गया। और वो जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि फिर कांग्रेस के जो मेन लीडर्स हैं जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान को प्रिजन में डाल दिया गया है। तो महात्मा गांधी ने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मगर ये मूवमेंट कहीं ना कहीं फिर फेल हो गया, साल भर के अंदर ये धीमा पड़ गया या नहीं चल पाया उतना। अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे भाई पार्टिसिपेंट्स जो डिफरेंट क्लास के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए वो क्यों जुड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, उसमें उनका क्या फ़ायदा था, क्या बेनिफिट्स था, जैसे कि हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा था। तो जो रिच फार्मर्स थे या पेजेंट्स थे, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमिक डिप्रेशन के वजह से पैसे की कमी हो गई थी, हर जगह मार्केट में प्रॉब्लम चल रहा था। तो वो चाहती थी कि भाई ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से टैक्सेस को कम करे, रिड्यूस किया जाए। फॉर देम स्वराज का मतलब ये था कि भाई उनको जो हाई टैक्स पे करना पड़ता है वो किसी तरीके से कम पे करना पड़े, उन्हें आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस एक चीज़ से मतलब है कि भैया हमारा टैक्स कम लगना चाहिए। पुअर पेजेंट्स जो हैं वो जनरली क्या था, वो रेंटेड लैंड्स पे काम करते थे, वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, वो चाहते थे कि भाई रेंट हटा दिया जाए। सोचो मज़ेदार चीज़, सब अपना अपना सिर्फ फ़ायदा देख रहा है, वो देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है। महात्मा गांधी एक अकेले ऐसे आदमी हैं जो उन सभी के फ़ायदों को जोड़ के या उनके नुकसान को समझते हुए या फ़ायदों को जोड़ते हुए एक कॉमन कॉज ब्रिटिशर्स को बनाते हुए उससे फाइट कर रहे हैं। तो पुअर पीजेंट्स क्या चाह रहे हैं, भैया हमको किसी तरीके से भाड़ा नहीं देना पड़े, ऐसा हो सकता है क्या? तो महात्मा गांधी या जो कांग्रेस थी वो इस नो रेंट के इशू को रेज करना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे जो रिच पेजेंट्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे वो नाराज़ हो जाते, तो वो ये रिश्ता को भी ख़राब नहीं करना चाहती थी।
जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनको भी सिर्फ अपना मतलब था, सिर्फ लालच था कि भैया जो फॉरेन गुड्स आता है ब्रिटिश सरकार के इंडस्ट्री से, जो सस्ता सस्ता कपड़ा आ रहा है या सामान आ रहा है जिसके वजह से हमारा मैन्युफैक्चर्ड सामान जो है यहाँ हमारे कंट्री में नहीं बिक पा रहा है, तो इम्पोर्ट टैक्सेस लगा के ब्रिटिश सरकार के सामान को यहाँ आने से रोका जाए। इसके लिए एक फेडरेशन भी बनाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स FICCI इन 1927, जिसने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उनको लगा कि भैया ये मूवमेंट सफल हो गया तो हम लोग इम्पोर्ट टैक्सेस बढ़ा देंगे और ब्रिटिश सरकार का सामान यहाँ नहीं बिक पाएगा। बट जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ और ब्रिटिश बिजनेस क्लास ने देखा कि भाई यंग लीडर्स जो हैं वो सोशलिस्ट मूवमेंट का बात कर रहे हैं, वो कैपिटलिज्म का बात नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर डिस्करेज हो गए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें तो वो बहुत ही कम नंबर में इस मूवमेंट के साथ जुड़े एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। वो मूवमेंट में इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि उनको लगा कि भाई हमारा जो लो वेजेस है, हमें जो कम पैसा या तनख्वाह मिलता है और जो काम करने का जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। मगर कांग्रेस इस बात को भी या इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के आवाज़ को भी नहीं उठाना चाहती थी क्योंकि उनको लगा कि अगर हम ये पॉइंट को उठाएंगे तो बिजनेस क्लास हमसे नाराज़ हो जाएगा, वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो इन सब डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी थीमा पड़ गया किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि लोग अभी भी आइडेंटिटी से नहीं जुड़ रहे हैं। वो किससे जुड़ रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिए जुड़ रहे हैं। जब लोग फायदे के लिए जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। जब एक ऑब्जेक्टिव के लिए जुड़ेंगे तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो फायदा तो देखना ही है मगर एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी लोग लंबे समय तक जुड़ेंगे और अपना फुल दे पाएंगे। वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया और वो काफ़ी नंबर्स में पार्टिसिपेट की, खासकर ड्यूरिंग दी सॉल्ट मार्च। बट उनके पार्टिसिपेशन के वजह से किसी भी तरीके से सोसाइटी में उनका दर्जा बदला नहीं, क्योंकि गांधी जी खुद ये मानते थे कि जो औरतें हैं उनका काम है एक अच्छी वाइफ बनना, एक अच्छी माँ बनना और घर को संभालना। इसकी वजह से वुमेन का कंडीशन किसी भी तरीके से नहीं सुधरा, जो सोसाइटी में था वो वैसा का वैसा ही रहा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।